हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवम। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप पे सेंड करे हुए मैसेजेस को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगा, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। बात करते हैं कि आप कैसे डिलीट सेंड मैसेजेस को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें दो कंडीशन है। एक तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो आपने मैसेज सेंड किया हुआ है वो 10 मिनट तक ही आप उसको डिलीट कर सकेंगे। अगर 10 मिनट के ऊपर हो जाता है तो आप उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी कंडीशन ये है, जिसको आपने मैसेज सेंड किया हुआ है उसने अगर मैसेज देख लिया है तो आप वो वीडियो डिलीट नहीं कर पाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे आप सेंड मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको अपने व्हाट्सएप को अपडेट करना पड़ेगा। इसको जाके आप अपडेट कर लें और अपना अपना व्हाट्सएप खोलें आप। तो मैंने दो व्हाट्सएप डाल रखे हैं एक ही फ़ोन पे, तो मैं दूसरे नंबर पे सेंड करूँगा। तो ये जैसे आपने देख लिया, ये एक नंबर है मेरा ही। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको इस पर लिख रहा हूँ, हेलो। मैंने लिख के हेलो मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। तो ये सेंड हो गया और ये मेरा आ गया दूसरे पे फोन आ गया। तो मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो जस्ट सिंपल मुझे सेलेक्ट करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और ऊपर ये जो आइकन है डिलीट का आइकन, इस पर मैंने क्लिक किया। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन आ जाएंगे, डिलीट फॉर मी, कैंसिल का, और थर्ड है डिलीट फॉर एवरीवन। तो डिलीट फॉर मी पे करेंगे तो सिर्फ वो आपके में डिलीट होगा, और डिलीट फॉर एवरीवन करेंगे तो दोनों में ये डिलीट हो जाएगा जाके मैसेज। तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिलीट हो गया। और दूसरे में भी यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं मैसेज आ चुका है कि दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। तो ये काम ऐसे करता है। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपके कुछ कमेंट हैं, कुछ सजेशन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ़।